नमस्कार, मैं हूं प्रज्ञा। बिहारी न्यूज में आपका स्वागत है। खबरों की ओर बढ़ने से पहले एक नजर सुर्खियों पर। आज है धनतेरस, इन चीजों को खरीदना माना जाता है शुभ। इंटर लेवल प्रतियोगिता परीक्षा के लिए आवेदन की तिथि बढ़ी। बिहार के भूमिहीन गरीबों को जमीन खरीदने के लिए सरकार अब देगी इतने रुपए। कॉलेज विद्यार्थियों के नाम काटने की रिपोर्ट विश्वविद्यालय से तलब। दिल्ली कैपिटल्स के कैंप में नजर आए ऋषभ पंत। इसके साथ ही बढ़ते हैं शाम तक की बड़ी खबरों की ओर विस्तार से। आज है धनतेरस, इन चीजों को खरीदना माना जाता है शुभ। आज यानी कि 10 नवंबर को धनतेरस मनाया जा रहा है। ऐसे में आज के दिन लोग सोने चांदी के साथ साथ अन्य सामानों की खरीदारी करते हैं, क्योंकि आज खरीदारी का विशेष महत्व होता है। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि सनातन धर्म के अनुसार आज के दिन झाड़ू और सोने चांदी के आभूषण के खरीदारी की मान्यता है, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि आज ऐसा करने से घर में लक्ष्मी का आगमन होता है और धन धान्य की कमी नहीं होती। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि धनतेरस के मौके पर आप सोना, झाड़ू, चांदी, वाहन, जमीन, साबुत धनिया और कुबेर यंत्र खरीद सकते हैं, जो कि काफी शुभ माना जाता है। वहीं धनतेरस पर क्या नहीं खरीदना चाहिए, उसमें काले रंग के कपड़े, लोहे से बना सामान, प्लास्टिक आदि से बनी सामानें नहीं खरीदनी चाहिए। इंटर लेवल प्रतियोगिता परीक्षा के लिए आवेदन की तिथि बढ़ी। अगर आप भी उनमें से हैं जो बीएसएससी यानी कि बिहार कर्मचारी चयन आयोग की ओर से ली जाने वाली द्वितीय इंटर स्तरीय प्रतियोगिता परीक्षा में भाग लेने के लिए आवेदन करना चाहते हैं, तो यह खबर आपके लिए है। बता दें कि बीएसएससी की ओर से अब इसके लिए आवेदन करने की अंतिम तारीख को बढ़ा दिया गया है। मालूम हो कि पहले इसके लिए आवेदन करने की अंतिम तारीख 11 नवंबर 2023 तक निर्धारित की गई थी, जिसे अब बढ़ाकर 11 दिसंबर 2023 तक कर दिया गया है। इसके साथ ही बीएसएससी की ओर से परीक्षा शुल्क जमा करने की भी अंतिम तिथि को बढ़ाकर 9 नवंबर 2023 से 9 दिसंबर 2023 तक कर दिया गया है। बता दें कि बदलाव आयोग की ओर से अभ्यर्थियों के व्यापक हित को देखते हुए लिया गया है। ऐसे में अब अभ्यर्थी आयोग की आधिकारिक वेबसाइट www.bssc.nic.in पर जाकर निर्धारित तिथि तक ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। बिहार के भूमिहीन गरीबों को जमीन खरीदने के लिए सरकार अब देगी इतने रुपए। ग्रामीण विकास विभाग के द्वारा अधिसूचना जारी कर यह जानकारी दी गई है कि बिहार में भूमिहीन गरीबों को सरकार की ओर से घर बनाने के लिए 60,000 रुपए की जगह पर 1,00,000 रुपए दिए जाएंगे। मालूम हो कि यह घोषणा बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के द्वारा विधानमंडल में 7 नवंबर को की गई थी। इसके बाद मंत्रिमंडल की बैठक में नीतीश के इस पहल पर मुहर लगाई गई। मालूम हो कि यह राशि राज्य सरकार की योजना मुख्यमंत्री वास स्थल क्रय सहायता के तहत दी जाएगी। बता दें कि इस योजना का लाभ वैसे भूमिहीन लोगों को दिया जाएगा जिनका नाम प्रधानमंत्री आवास योजना की प्रतीक्षा सूची में हो, लेकिन उनके पास अपनी भूमि न हो। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि इस योजना में शामिल लाभुकों को उसी पंचायत में जमीन खरीदनी होगी जिस पंचायत के अंतर्गत लाभार्थियों की प्रतीक्षा सूची में उनका नाम शामिल है। दिवाली छठ पर सुरक्षा को लेकर अलर्ट मोड पर बिहार पुलिस। आज यानी कि 10 नवंबर से धनतेरस के साथ दिवाली की शुरुआत हो चुकी है। वहीं कुछ दिनों बाद छठ भी शुरू हो जाएगा। ऐसे में इन त्योहारों में सुरक्षा की व्यवस्था को देखते हुए बिहार पुलिस पूरी तरह से अलर्ट मोड में है। बता दें कि दिवाली पर घरों से चोरी होने की घटना को रोकने के लिए थानेदारों को गश्त बढ़ाने का निर्देश दिया गया है। वहीं जिला अधिकारी डॉक्टर चंद्रशेखर सिंह के द्वारा दिवाली से लेकर छठ महापर्व तक पटना अनुमंडल प्रखंड स्तरीय सभी पदाधिकारियों के अवकाश को आज यानी कि 10 नवंबर से 20 नवंबर तक रोक दी गई है। मालूम हो कि जिले में व्यवस्था बनाए रखने के लिए आदेश जारी हुआ है। डीएम ने कहा है कि आगामी पर्व त्योहारों के अवसर पर विधि व्यवस्था बनाए रखने के लिए अनुमंडलवार वृहत रूप में मजिस्ट्रेटों की प्रतिनियुक्ति की जा रही है। उन्होंने कहा कि इस अवसर पर जिला मुख्यालय स्तर से लेकर अनुमंडल स्तरीय और क्षेत्रीय पदाधिकारियों को अपने अपने मुख्यालय में उपस्थित रहना विधि व्यवस्था के दृष्टिकोण से अनिवार्य है। हंगामा के बीच विधानसभा की कार्यवाही 2 बजे तक के लिए स्थगित। आज बिहार विधानसभा में शीतकालीन सत्र का 5वां यानी कि आखिरी दिन है, लेकिन कार्यवाही शुरू होते ही विपक्षी सदस्यों के द्वारा वेल में पहुंचकर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के खिलाफ नारेबाजी की गई। दरअसल विपक्ष से पूर्व मंत्री नीरज बबलू मुख्यमंत्री से इस्तीफे की मांग कर रहे थे। ऐसे में जब विधानसभा अध्यक्ष के द्वारा मना किया गया तो भी बीजेपी नेता नहीं माने, जिसके बाद विधानसभा की कार्यवाही को 2 बजे तक स्थगित कर दिया गया। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि 5 दिनों तक का यह छोटा सा 17 आरक्षण संशोधन बिल के कारण काफी चर्चा में रहा। इसके साथ ही नीतीश कुमार के द्वारा जनसंख्या नियंत्रण और प्रजनन वाले बयान पर भी खूब सियासत हुई। वही बीते दिन सीएम नीतीश के द्वारा बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी पर भी जोरदार हमला बोला गया। दिवाली से पहले 2600 लीटर अंग्रेजी शराब जब्त।
बिहार में पूर्ण रूप से शराबबंदी है इससे तो हम सभी वाकिफ है, लेकिन इसके बावजूद भी आए दिन हमें शराब तस्करी से जुड़े मामले सुनने को मिलते रहते हैं। हालांकि इन पर नकेल कसने के लिए उत्पाद विभाग की ओर से कई कोशिशें की जा रही हैं, लेकिन इसके बावजूद भी इन मामलों में कोई खास अंतर देखने को नहीं मिल रहा। बता दें कि ताजा मामला बिहार के बगहा में यूपी बिहार बगहा सीमा का है, जहां धनहा थाना की पुलिस के द्वारा वाहन जांच के दौरान हरियाणा से आ रही भूसा लदे ट्रक के भीतर से छुपाकर लाई जा रही 2600 लीटर अंग्रेजी शराब बरामद कर ली गई है, और साथ ही इस दौरान पुलिस के द्वारा एक चालक को भी गिरफ्तार किया गया है। इसके अलावा पुलिस के द्वारा डीसीएम गाड़ी को भी जब्त कर लिया गया है। बता दें कि फिलहाल पूछताछ के बाद चालक को न्यायिक हिरासत में शराबबंदी कानून की सुसंगत धाराओं में मुकदमा दर्ज कर जेल भेज दिया गया है। बता दें कि इस बात की जानकारी धनहा थानाध्यक्ष अजय कुमार के द्वारा दी गई है। 23 नवंबर से 3 दिसंबर तक सेना भर्ती रैली। बिहार की राजधानी पटना के दानापुर में 23 नवंबर से सेना भर्ती की रैली शुरू होने वाली है, जो कि 3 दिसंबर तक चलेगी। ऐसे में इस दौरान 23 नवंबर को जूनियर कमीशन ऑफिसर और हवलदार की रैली होगी, तो वहीं 24 नवंबर से 30 नवंबर तक सभी अग्निवीर श्रेणियों की भर्ती, 2 दिसंबर और 3 दिसंबर को अग्निवीर महिला सेना पुलिस की होने वाली महिला की रैली होगी। बता दें कि इस बारे में दानापुर भर्ती निर्देशक कर्नल करण मेहता के द्वारा जानकारी देते हुए बताया गया है कि इस भर्ती रैली में सिवान, सारण, गोपालगंज, वैशाली, पटना, बक्सर और भोजपुर जिला के नाम शामिल है। मालूम हो कि आयोजन स्थल न्यू केएलपी ग्राउंड चांदपारी कैंट है। आपको जानकारी के लिए बता दें कि पुरुष रैली के लिए रैली स्थल पर प्रवेश सभी दिन सुबह 2:45 बजे शुरू होगा, वहीं महिला रैली के लिए प्रवेश 2 दिसंबर से 3 दिसंबर 2023 को सुबह 3 बजे से शुरू होगा। बिहार में नहीं थम रहा डेंगू का प्रकोप। बिहार में डेंगू के मामलों में लगातार बढ़ोतरी हो रही है, ऐसे में इसको लेकर स्वास्थ्य विभाग भी पूरी तरह से अलर्ट मोड में है। बिहार की राजधानी पटना में बीते 24 घंटे में डेंगू के कुल 123 मरीज मिले हैं, जिसके बाद अब राजधानी में डेंगू मरीजों की कुल संख्या 7664 हो गई है, जिसमें सबसे अधिक पाटलिपुत्र अंचल में 41, बांकीपुर में 26, अजीमाबाद में 11 और न्यू राजधानी अंचल में 18 नए मरीज मिले हैं। वहीं इसके अलावा मुजफ्फरपुर में भी डेंगू के 9 मरीज मिले हैं। इस तरह अब मुजफ्फरपुर में डेंगू मरीजों की कुल संख्या 482 हो गई है। बता दें कि डेंगू के बढ़ते मामलों को देखते हुए स्वास्थ्य विभाग के द्वारा लगातार फॉगिंग और टेमाफोस दवाओं का छिड़काव कराने का काम किया जा रहा है। कॉलेज विद्यार्थियों के नाम काटने की रिपोर्ट विश्वविद्यालय से तलब। बिहार सरकार के शिक्षा विभाग के द्वारा राज्य के विश्वविद्यालयों के कुल सचिवों और परीक्षा नियंत्रकों को यह दिशा निर्देश जारी कर दिए गए हैं कि 75% से कम हाजिरी होने पर विद्यार्थी को परीक्षा फॉर्म भरने की इजाजत नहीं दी जाएगी। वहीं दूसरी ओर विभाग के पदाधिकारी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से होने वाली समीक्षा में भी उक्त आदेश का अनुपालन हो रहा है या नहीं इसकी जाँच कर रहे हैं। बता दें विभाग की ओर से सभी विश्वविद्यालयों से बिना सूचना के लगातार अनुपस्थित रहने वाले विद्यार्थियों के नाम काटे जाने से संबंधित रिपोर्ट तलब की गई है। मालूम हो कि विभाग की ओर से सभी विश्वविद्यालय को कहा गया था कि 3 दिनों तक अनुपस्थित रहने वाले विद्यार्थियों को पहले नाम काटे जाने की नोटिस दे। यह कार्रवाई विभाग के द्वारा दिए गए निर्देश के आधार पर किया जा रहा है। बिहार में 16 राजस्व अधिकारियों को मिला प्रमोशन। राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के द्वारा अधिसूचना जारी कर यह जानकारी दी गई है कि बिहार सरकार के द्वारा बिहार राजस्व सेवा संवर्ग के करीब 16 राजस्व अधिकारियों को प्रोन्नति दी गई है, जिसमें 4 अंचल अधिकारी को जिला भू अर्जन पदाधिकारी बनाया गया है, तो वहीं 12 सीओ को DCLR में प्रोन्नति दी गई है। बता दें कि जिन 16 लोगों को प्रोन्नति दी गई है उनमें अमरनाथ चौधरी, मनोज कुमार राय, पंकज कुमार, चंद्रशेखर तिवारी, भाग्य नारायण राय, संजय कुमार झा, प्रकाश कुमार सिन्हा, संजय कुमार सिन्हा, राजेश कुमार, मोहम्मद फहीमुद्दीन अंसारी, योगेश दास और रंजीत कुमार का नाम शामिल है। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि अब तक कुल 32 राजस्व अधिकारियों को DCLR में पदोन्नति दे दी गई है। इंडियन रेलवे में नौकरी को लेकर चल रही खबरों पर CPRO ने बताई सच्चाई। इन दिनों सोशल मीडिया पर रेलवे में नौकरी नहीं है, कम हो रही भर्ती जैसे खबरें चल रही हैं, जिससे कि पब्लिक डोमेन में रेलवे की काफी किरकिरी हो रही और लोग तरह तरह के कमेंट्स कर रहे हैं। वहीं अब इस पोस्ट पर पूर्व मध्य रेलवे हाजीपुर के CPRO वीरेंद्र कुमार के द्वारा मीडिया के सामने खुलकर अपना पक्ष रखा गया है। उन्होंने कहा कि सोशल मीडिया पर यह खबर आ रही है कि रेलवे में नौकरी नहीं है, रेलवे में भर्ती नहीं हो रही अथवा कम हो रही है। उन्होंने कहा कि यह सरासर भ्रामक खबर है। रेलवे में लगातार नौकरियां मिल रही हैं, प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष दोनों रूप से रेलवे को रोजगार दे रहा है। उन्होंने बताया कि 1 किलोमीटर रेल ट्रैक बनता है तो 33,000 में पावर क्रिएट होता है। ऐसे में पिछले वर्ष हमारे द्वारा 4 लाख रोजगार पैदा किया गया है। प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से हर वर्ष हर महीने हर दिन हजारों रोजगार पैदा किए जा रहे हैं। पटना विश्वविद्यालय मेट्रो स्टेशन होगा 2 तल वाला।
दिल्ली मेट्रो रेल कॉरपोरेशन के द्वारा जानकारी देते हुए बताया गया है कि अशोक राजपथ पर प्रस्तावित पटना मेट्रो का विश्वविद्यालय स्टेशन 160 मीटर लंबा और जमीन से 16 मीटर नीचे दो तल में बना होगा, जो कि पीएमसीएच और मोइन उल हक मेट्रो स्टेशन से चंद मिनट की दूरी पर होगा। मालूम हो कि यह प्रस्तावित वीवी मेट्रो स्टेशन अशोक राजपथ के आसपास पटना सिटी, गुलजारबाग, खजांची रोड, गोविंद मित्रा आदि स्थानों में रहने वाले लोगों के लिए एक वरदान की तरह होगा। बता दें कि इसका पहला प्रवेश द्वार पटना साइंस कॉलेज के सामने, दूसरा एनआईटी मोड़ के पास और तीसरा राजकीय समसूल हुआ मदरसा परिसर के भीतर होगा। ये सारे तल आपस में और भूतल से जुड़े होंगे। इस स्टेशन में 6 एस्केलेटर और 5 सीढ़ियां होंगे। दिव्यांगजन, बुजुर्गों एवं अन्य की सुविधा के लिए हर प्रवेश द्वार पर भूतल से कॉन्कोर्स तल पर आने जाने के लिए 3 लिफ्ट होंगे। सीएम नीतीश ने किया लोहिया पथ चक्र का उद्घाटन, बेरोजगार युवक ने किया प्रदर्शन। आज बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के द्वारा बोरिंग कैनाल रोड के पास लोहिया पथ चक्र के दूसरे फेज का उद्घाटन किया गया। बता दें कि अब बेली रोड और बोरिंग कैनाल रोड से जाम की समस्या से लोगों को राहत मिलेगी। वहीं इस उद्घाटन कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को एक युवक का विरोध भी झेलना पड़ा। दरअसल जब सीएम के द्वारा लोहिया पथ चक्र का लोकार्पण करने के बाद रोड का जायजा लिया जा रहा था, तो उसी दौरान एक युवक सीएम के पास पहुंचा और नारेबाजी करने लगा। बता दें कि यह युवक सीएम की सुरक्षा बैरक को तोड़ते हुए उनके करीब पहुंच गया और कहने लगा कि दिल्ली के बिहार भवन में नौकरी दी जाए। इस दौरान युवक के हाथ में एक पोस्टर भी था, जिसके बाद सीएम नीतीश के द्वारा अपने आसपास मौजूद अधिकारियों को कहा गया कि युवक के हाथ में जो कागज है उसे ले लीजिए, और फिर सीएम आगे बढ़ते चले गए, जिसके बाद उस युवक को पुलिसकर्मी के द्वारा अरेस्ट कर लिया गया। नीतीश कुमार के खिलाफ धरने पर बैठे जीतन राम मांझी। बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के खिलाफ धरना पर बैठ गए हैं। बता दें कि एक तरफ जहां सत्ताधारी दल के विधायक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ धरना दे रहे हैं, तो वहीं दूसरी ओर एनडीए के नेता जीतन राम मांझी के साथ धरना पर बैठ गए हैं। मालूम हो कि इस दौरान नीतीश कुमार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की गई। भाजपा के नेताओं के द्वारा नीतीश कुमार पर दलितों का अपमान करने का आरोप लगाया गया है। भाजपा नेताओं के द्वारा कहा जा रहा है कि नीतीश कुमार की तानाशाही नहीं चलेगी। नीतीश कुमार के द्वारा महादलित और दलित समाज के पूर्व मुख्यमंत्री का अपमान करने का काम किया गया है। अब हम लोग इनको ईट से ईट बचाने का काम करेंगे। दिल्ली कैपिटल्स के कैंप में नजर आए ऋषभ पंत। पिछले साल दिसंबर में एक सड़क हादसे में भारतीय टीम के स्टार बल्लेबाज ऋषभ पंत बुरी तरह घायल हो गए थे, जिसके बाद वो क्रिकेट में नहीं खेलते थे। वहीं अब ऋषभ पंत के दिल्ली कैपिटल्स के कैंप में नजर आए हैं, जिसमें कि यह अटकलें लगाने शुरू हो गई है कि वे आईपीएल के अगले सत्र में खेलते दिख सकते हैं। बता दें कि यह कैंप कोलकाता के जादवपुर विश्वविद्यालय के साल्ट लेक कैंपस में चल रहा है, जो कि क्रिकेट निदेशक सौरभ गांगुली की अगुवाई में चल रहा। वहीं इस दौरान कैंप में टीम के कोच रिकी पोंटिंग भी मौजूद रहे। बता दें कि मिली जानकारी के अनुसार अब तक ऋषभ पंत कैंप में हो रहे अभ्यास में हिस्सा नहीं लिए हैं। हालांकि सौरभ गांगुली के साथ उनकी बातचीत हुई है। बता दें कि अब तक ऋषभ पंत को लेकर इस बात का खुलासा नहीं हुआ है कि वह आईपीएल के अगले सत्र में खेलेंगे या नहीं। अब बढ़ते हैं आज के 5 सवाल की ओर। हमारा पहला सवाल है, अजीमाबाद में बीते 24 घंटे में डेंगू के कितने मरीज मिले हैं? ऑप्शन ए 41, ऑप्शन बी 26, ऑप्शन सी 11, ऑप्शन डी 18। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी 11। अगला सवाल, बिहार के भूमिहीन गरीबों को जमीन खरीदने के लिए सरकार कितने रुपए देगी? ऑप्शन ए 60,000, ऑप्शन बी 1,00,000, ऑप्शन सी 1,20,000, ऑप्शन डी 1,50,000। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी 1,00,000। अगला सवाल, इंटर लेवल प्रतियोगिता परीक्षा के लिए आवेदन की तिथि कब तक बढ़ गई है? ऑप्शन ए 11 नवंबर 2023, ऑप्शन बी 11 दिसंबर 2023, ऑप्शन सी 15 दिसंबर 2023, ऑप्शन डी 20 दिसंबर 2023। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी 11 दिसंबर 2023। अगला सवाल, राजस्व सेवा संवर्ग के कितने अधिकारियों को प्रोन्नति दी गई है? ऑप्शन ए 4, ऑप्शन बी 12, ऑप्शन सी 15, ऑप्शन डी 16। इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी 16। अगला सवाल, पटना के दानापुर में सेना भर्ती की रैली कब से शुरू हो रही है? ऑप्शन ए 14 नवंबर, ऑप्शन बी 12 नवंबर, ऑप्शन सी 21 नवंबर, ऑप्शन डी 23 नवंबर। इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी 23 नवंबर।
बीते दिन हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का आप लोगों में से बहुत लोगों ने अपना जवाब हमें हमारे कमेंट सेक्शन बॉक्स में लिख कर दिया है। जिन्होंने हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का जवाब दिया है उनके नाम है रंजीत मिश्रा, अनवर करीम खान, धनंजय कुमार, जैसिका गुप्ता, चंदन कुमार, कुमोद कुमार, सूरज, मदन कुमार, मोहित, उमेश, सिसदेव, संजन, मोहम्मद फहीम, ऋषिकेश शाह, मुटुर रंगीला, बाबूलाल मरांडी, गौरी शंकर। इसके साथ ही बढ़ते हैं आज के सवाल की ओर। आज का सवाल है धनतेरस को लेकर आपके तरफ बाजारों में माहौल कैसा है? अपना जवाब हमें हमारे कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। आज के लिए इतना ही। बिहार के तमाम खबरों के साथ बने रहने के लिए देखते रहे बिहारी न्यूज। और साथ ही अगर आप YouTube से देख रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब करना, और अगर आप Facebook से देख रहे हैं तो पेज को फॉलो करना ना भूलें। धन्यवाद।